हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस रिवल गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे दिन के रिगार्डिंग। जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था कि डीसी फोर प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाते हैं, उसका फर्स्ट चरण जो पहला चरण है उसके फर्स्ट डे की भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। उसके अलावा जो हमारा दूसरा चरण है उसका पहला दिन कौन सा रहेगा, पहली एक्टिविटी कौन सी रहेगी, उसकी भी सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है अकॉर्डिंग टू वीडियो। तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे, दूसरा दिन रहेगा दूसरी एक्टिविटी, सेकंड चरण की दूसरी एक्टिविटी कौन सी रहेगी उस पर आपको बताऊंगी। सो वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम आए हो। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा दूसरा चरण है उसकी दूसरी एक्टिविटी सेकेंड डे की क्या कौन सी रहने वाली है, इसमें देखिए जो टाइटल्स रहेंगे जो हमारे इसके टाइटल्स थे वो मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो थी डीसी फोर की, जब से हमने ये स्टार्ट किया सीरीज, उस वीडियो में दिखाए हैं। आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हमारा जो ये वैसे मोस्टली टाइटल रहने वाला है पोइम्स रहने वाला है, पोइम पर। तो कार्य योजना में क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य बच्चे के साथ अभिनय के साथ कुछ तुकबंदी या गीत गाना है। इस गतिविधि छात्र के दौरान एक गतिविधि को अंजाम देना है। लक्षण क्या रहेंगे, इस गतिविधि का मुख्य लक्षण बारीक मोटर विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना है। ये बच्चे की यादगार क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा। लाइक जो ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में क्या है मेन, जैसे गीत गाना है, पोइम्स या जिसको हम रोमांस बोलते हैं उस पर आधारित ये हमारी एक्टिविटी रहने वाली है। और इसमें देखिए कार्य योजना क्या होती है, लक्ष्य क्या होते हैं, विषय वस्तु क्या होते हैं, ये मैंने फर्स्ट एक्टिविटी की वीडियो में प्रॉपर आपको डिफाइन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपको सभी डिटेल्स क्या है क्लियर हो जाएगी, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद विषय वस्तु क्या रहने वाली है, मैं चार कविताओं का चयन करूंगा या करूंगी, दो हिंदी में दो अंग्रेजी में, मैं अभिनय के साथ साथ कविता का पाठ करूंगा और बच्चा मेरे बाद उनका पाठ करेगा। छात्र में 20 से 25 मिनट लगेंगे। विषय वस्तु क्या है, जो उसने सोचा है कि कल मैं ये करवाऊंगा, लाइक कल दूसरा दिन है और आज उसने पहली एक्टिविटी फिनिश कर दी है, तो कल के लिए वो प्लान कर रहा है कि कल मैं दो कविताएं करवाऊंगा हिंदी में, दो करवाऊंगा अंग्रेजी में, और उसमें टोटल मुझे 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। तो वो चीजें उसने मेंशन की हुई है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर देना, अगर बॉय हो तो करूंगा, अगर गर्ल है तो करूंगी, वो चीज आपने रिटर्न करनी है। और इसके साथ ही जैसे इसमें लिखा है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, इन्होंने ना कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया भी कौन कौन सी वो कविताएं करवा रही हैं, तो आप हो सके तो यहाँ पे वो कविताएं आप रिटर्न करना, दो हिंदी की दो इंग्लिश की, दोनों पोएम्स भी आपने रिटर्न करनी है। साथ में अगर आपके पास उसके डायग्राम्स है तो आप डायग्राम्स भी जरूर पेस्ट कीजिए। गतिविधि छात्र की आगे नेक्स्ट है रिपोर्ट। जैसे आपने पोइम्स वगैरह रिटर्न कर ली, यहाँ पे जो स्पेस बची है उसके बाद रिपोर्ट क्या रहने वाली है, आपने बच्चों को एक्टिविटी कैसे डन करवाई है, क्या आप रिपोर्ट में लिखोगे। सबसे पहले मैंने अंग्रेजी कविताओं के साथ शुरुआत की, मैंने एक एक कर लाइन गाई और बच्चे ने मेरे बाद हर लाइन दोहराई। जैसे कि हम रोमांस या पोइम्स करवाते हैं, पहले टीचर बोलता है विद एक्सप्रेशंस के साथ, उसके बाद बच्चा उसको कॉपी करता है, फिर वो पीछे पीछे बोलता है, जिसकी वजह से उसके जो लर्निंग स्किल्स है, जो लर्न स्किल्स है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। जब मैंने कविता के साथ साथ क्रियाएं भी दिखाई तो बच्चा बहुत खुश हुआ और हंसा। बच्चे ने भी अभिनय किया और मेरे साथ कविता को दोहराने की कोशिश की, हालांकि ये उसके लिए इतना आसान नहीं था। जब मैंने अभिनय के साथ साथ हिंदी कविताओं का पाठ किया तो बच्चा पहले से ज्यादा खुश हो गया। मुझे लगता था कि हिंदी कविता उसके लिए आसान थी। बच्चे ने कविताएं सुनाना शुरू कर दिया और मेरे साथ क्रियाओं की नकल करने लगा। गतिविधि मध्यम रूप से सफल रही, इसे पूरा करने में 25 मिनट का समय लगा। तो ये चीज उसने रिपोर्ट मेंशन कर दी कि उसने जो अपनी एक्टिविटी लाइक माइंस या पोइम्स की एक्टिविटी करवाई है वो कैसे करवाई है, कितना टाइम लगा, बच्चों ने कौन कौन से एक्सप्रेशन बच्चों को अच्छे लगे, बच्चों की कौन सी कविता जल्दी से लर्न हो गई, वो सब कुछ आपने क्या करना है, रिपोर्ट में रिटर्न करना है। तो ये थी हमारी दूसरे चरण की सेकेंड जो एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी जो की हमारी पोइम्स पे आधारित थी हिंदी और इंग्लिश की। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे हमारा दूसरे चरण का तीसरा दिन, लाइक तीसरी जो एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारा पहला चरण है वो 5 दिन का है, दूसरा चरण हमारा 20 दिन का रहेगा, जिसमें टोटल हमने 30 एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। पहले जो हमारे 10 दिन है उसमें हम एक एक करेंगे और नेक्स्ट वाले जो हमारे 10 दिन रहेंगे उसमें हम एक दिन में दो दो एक्टिविटीज करेंगे। तो सीरीज हमारी कंटिन्यू है। अगर सीरीज अच्छी लगी, वीडियो से हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके गाइस, बाय बाय।